all of you welcome in my class. Today I'm going to discuss about the different concept of species. Here we have to read two concept of species. One is a phylogenetic species concept and second one is biological species concept. These two topics are belong to unit 4 from the paper, and the scientist Ernst Mayr in 1957 he had reviewed the work of others on the species, and all these definitions given so far are broadly grouped into the four main concept. All these four concepts are here. First species concept is a biological species concept. Second is phylogenetic species concept. Third is a morphological species concept, and last one is a ecological species concept. These are the basic four types of species concepts, but you have to read only the two species concept, the phylogenetic species concept, and second one is phylogenetic species concept. Okay, now we will discuss here what is the biological species concept. Kya hota hai ye biological species concept? The group of population whose members have the potential to interbreed in nature and produce viable means आप जानते हैं मतलब healthy जो offspring होते हैं fertile offspring but do not produce viable offspring with members of other groups. Means we can say that biological species concept means a group of organism that can interbreed and produce viable fertile offspring. Is that clear? Means ये कि जो biological species concept है वो ये कहता है कि ऐसा organism का group जो कि interbreeding करता हो और produce करता हो healthy और fertile offspring. ठीक है, लेकिन दूसरे group of species के साथ वो viable offspring produce ना करता हो, मतलब वो reproductively क्या हो isolate हो other group के साथ. ये आपका बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है. और अदर स्पीसीज डेफिनेशंस क्या क्या हैं आपका? मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या है? दैट स्पीसीज कॉन्सेप्ट शेज दैट करेक्टराइजेस बाय बॉडी शेप एंड अदर स्ट्रक्चर. मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट रिफर्स टू बॉडी शेप एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द एनिमल्स. नाउ द इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट that characterizes in term of ecological niche, means climatic factors, climates, okay. And the third one is a phylogenetic species concept, means a smallest group of organism that share a common ancestor. ठीक है, that share a common ancestor. Now the biological species concept detail में आप देखते हैं इसको. बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है? वो यही कहता है कि आपका जो है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस वियेबल एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि इंटरब्रीडिंग कर सकता हो और प्रोड्यूस करता हो वियेबल और फर्टाइल, हेल्दी और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता हो, यही है आपका बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल देखिए, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में आपका एग्जाम्पल है वेस्टर्न मिडल ऑर्क का एंड ईस्टर्न मिडल ऑर्क का. तो जो वेस्टर्न मिडल ऑर्क है एंड ईस्टर्न मिडल ऑर्क है, दोनों आपके जो है बिल्कुल लुक्स लाइक सेम, दोनों आपके सेम दिख रहे हैं, लेकिन दे कैन नॉट ब्रीड बिकॉज दे हैव द डिफरेंट सॉन्ग एंड डिफरेंट बिहेवियर. ठीक है, ये आपके दिखते सेम हैं लेकिन ये जो है ये स्पीसीज इनकी डिफरेंट है. जीनस सेम है स्टर्न, ये आपका है स्टर्निला नेगलेक्टा सीयर, एंड जो आपका स्टर्न मिडल ऑर्क है वो क्या है स्टर्निला मैग्ना. स्पीसीज डिफरेंट हो गया, और ये दिखते सेम हैं एक जैसे हैं लेकिन जो है ये ब्रीड नहीं करते हैं, कैन नॉट ब्रीड बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट सॉन्ग एंड डिफरेंट बिहेवियर. ओके, तो यही है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट.
कि या फिर बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में कि सेम ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स हैं सेम स्पीसीज में इंटरब्रीडिंग होगी, ठीक है, और वो वेबल और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे और अदर स्पीसीज के साथ उनकी ब्रीडिंग इंटरब्रीडिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो वो रिप्रोडक्टिव क्या है, आइसोलेट है, और अगर होती है ब्रीडिंग तो वो वेबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तब वो इनवेबल और स्टराइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट आपका यही कहता है कि अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस द हेल्दी और वीएबल एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ओके, नाउ अब बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के आपका जो है इसमें आपका सिंपली क्या क्या चीज़ें, इट एज्यूम्स दैट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनेटिकली कंपेटेबल, इंटरब्रीड अंडर द नेचुरल कंडीशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स है या कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, वो क्या क्या है। पहला तो ये है कि कैन नॉट बी यूज्ड विद द एक्सक्लूसिवली एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो एसेक्सुअल जो ऑर्गेनिज्म है या जो ऑर्गेनिज्म एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके प्रोकैरियोट्स हो गए, अमीबा हो गए या सम अदर प्रोटिस्ट हो गए, सम एनिमल्स एंड प्लांट एंड फंजाई, ठीक है, ऑल आर परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें आपका जो है ये ड्रॉबैक है कि केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, नाउ द सेकेंड ड्रॉबैक, सेकेंड ड्रॉबैक है इसका, हाउ डू यू टेस्ट फॉर अ इंटरब्रीडिंग अंडर नेचुरल कंडीशन, ठीक है, कैसे आप टेस्ट करते हैं मतलब नेचुरल कंडीशन में। कैन अ डियर इन फ्लोरिडा इंटरब्रीड विथ वन इन द विस्कॉन्सिन, मतलब कि कोई अगर जो है आपका दो अगर हैं, दो एनिमल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रहें, जो है सेम स्पीसीज अगर दो डिफरेंट एरिया में हैं तो उनके बीच जो है क्या इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ड्रॉबैक्स हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट ड्रॉबैक है वो है सम स्पीसीज लुक एंड बिहेव डिफरेंटली, कैन इंटरब्रीड एंड हैव वेबल एंड फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, फॉर एग्जाम्पल कोयोट्स, वॉल्फ्स एंड डॉग्स। मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो कि जो है बिल्कुल सेम मीन्स ये कि जो है कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो कि जो है डिफरेंट दिखते हैं और डिफरेंट उनका बिहेवियर भी है, लेकिन वो इंटरब्रीडिंग करते हैं और वेबल और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपका जो है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को ये फुलफिल नहीं करते हैं, मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं कि सेम आपके नहीं दिख रहे हैं और बिहेवियर भी डिफरेंट है लेकिन फिर भी ये इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं और वेबल और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें आपका एग्जाम्पल है वॉल्व्स, डॉग्स एंड कोयोट्स, ये सारे आपके जो है जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये सब जो है ड्रॉबैक्स हैं। अब अगर देखें शॉर्ट फॉर्म में, पूरा समराइज फॉर्म में कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं या क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं या क्या प्रॉब्लम है, वो देखिए सिंपली इसे हम ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं, लिमिटेशन भी कह सकते हैं या फिर प्रॉब्लम भी कह सकते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट की। फर्स्ट आपका देखें समराइज फॉर्म में, द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी अप्लाइड टू फॉसिल और एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब ये केवल सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को ही डिफाइन कर रहे हैं और जो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है या फॉसिल है उसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एम्फेसाइजेस एब्सेंस ऑफ जीन फ्लो, द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एम्फेसाइजेस द एब्सेंस ऑफ जीन फ्लो। ओके, एंड थर्ड वन इज हाउएवर जीन फ्लो कैन अकर बिटवीन द डिस्टिंक्ट स्पीसीज, मतलब अगर जो है डिफरेंट ग्रुप के बीच अगर जो है ब्रीडिंग नहीं पॉसिबल है तो जीन फ्लो कैसे हो रहा है किसी भी दूसरे स्पीसीज के बीच में या डिफरेंट ग्रुप के बीच में कैसे जीन फ्लो हो रहा है, इसको क्यों डिफाइन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रिजली बियर्स एंड पोलर बियर्स कैन मेट टू प्रोड्यूस द ग्लोरल बियर्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपके जो अमेजिंग की, एक तो बैलेंस कॉन्सेप्ट जो है वो आपका एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन नहीं कर रहा है जिनमें हो रहा है, या फिर फॉसिल के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं कर रहा है। दूसरा जो है ये कॉन्सेप्ट जो है आपका जीन फ्लो को बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर रहा है कि जीन फ्लो कैसे हो रहा है,
ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो दिखते डिफरेंट हैं और बिहेवियर भी उनका डिफरेंट है, लेकिन उनमें जो है ब्रीडिंग होती है और वो वियेबल और फर्टाइल यानी कि हेल्दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपका जो है, ये सारे क्या हैं, ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं, या कह सकते हैं ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, प्रॉब्लम है पैलेथो स्पीसीज कॉन्सेप्ट के। ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यू हैव टू रीड, फाइलोजेंटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। फाइलोजेंटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एज एन इरिड्यूसिबल ग्रुप हुज मेंबर्स आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड हु ऑल पॉसेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन डिफाइनिंग आर डिराइव्ड ट्रेट्स। हेंस दिस कॉन्सेप्ट डिफाइंड अ स्पीसीज एज अ ग्रुप हैविंग अ शेयर्ड एंड यूनिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। दैट मीन्स वी कैन से दैट द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। फाइलोजेनी जानते हैं, फाइलोजेंटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट का मतलब ही है कि एक स्मॉलेस्ट ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो कि जो है क्या, जो शेयर करता है एक कॉमन एंसेस्टर को, मतलब सारे जो डेवलप हुए हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं। तो फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट सेज दैट द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर और दैट शेयर अ यूनिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे फाइलोजेंटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए, ये सिंपली आपका, अगर हम बात करें मैमल्स की, प्लेसेंटल मैमल्स की, तो कैसे डेवलपमेंट हुआ है? पहले जो मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ है वो नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट से हुआ है। नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट यानी कि वी कैन से दैट एवीज एंड मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स। ओके, तो नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट जो भी हैं यानी कि रेप्टाइल्स। उसके बाद फिर एग लेइंग मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ। एग लेइंग मैमल्स आप जानते हैं, डगबिल प्लेटिपस, एकेडना है जो एग लेइंग मैमल है, ठीक है। फिर मेमरी ग्लैंड यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद फिर मार्सुपियल्स का डेवलपमेंट हुआ। मार्सुपियल मीन्स जो कि आपके जो है वो हैं आपके बेसिकली कंगारूस, जो यंग वंस को बियर करते हैं अपने मार्सुपियम पाउच में, लाइव बियरिंग, ठीक है। जो इमेच्योर कंगारूज के जो बेबी होते हैं वो इमेच्योर बॉर्न हो जाते हैं, तो वो अपने मार्सुपियम में या मार्सुपियल पाउच में उसको कैरी करते हैं तब तक जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाएं। इसके बाद फिर प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एंड प्लेसेंटल मैमल्स, जैसे कि हम लोग क्या हैं, प्लेसेंटल मैमल्स हैं। तो ये जो आपका है, ये कॉमन फाइलोजेनेटिक ट्री है कि नहीं है? तो ये फाइलोजेनेटिक जो कॉन्सेप्ट है, ये यही कहता है कि जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, दैट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर या कॉमन एंसेस्टर ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल इन द एलिफेंट, हेयर इज अ एशियन एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट एंड नाउ द अफ्रीकन सवानाज एलिफेंट। दीज आर हैविंग अ सेम एंसेस्टर, दीज आर शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। ओके, नाउ द फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट इन द केस ऑफ अदर मैमल्स यूज शेयर्ड यूनिक जेनेटिक हिस्ट्री टू क्लासीफाई द स्पीसीज। हियर इज अ कॉमन एंसेस्टर ऑफ लियोपॉड एंड डोमेस्टिक कैट एंड नाउ हियर ऑल दीज आर ऑल्सो हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर, वोल्फ, लियोपॉड एंड डोमेस्टिक कैट हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर। नाउ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। क्या एडवांटेज है, एडवांटेज क्या क्या है फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट का? इट कैन बी अप्लाइड टू एक्सटिंक्ट स्पीसीज। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है उसको भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं स्टडी, जो फॉसिल रिकॉर्ड है उसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं कि जो है इनके एंसेस्टर कौन थे, या फिर इनकी फाइलोजेनी को हम जो है स्टडी कर सकते हैं। तो पहला जो एडवांटेज है वो क्या है, वो ये है कि इट कैन बी अप्लाइड टू एक्सटिंक्ट स्पीसीज। सेकंड इज कंसीडर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म लर्न्ड फ्रॉम द डीएनए एनालिसिस। ओके, आप ये पढ़ भी चुके हैं, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी में ये पढ़ चुके हैं। इट कंसीडर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म लर्न्ड फ्रॉम द डीएनए एनालिसिस। ओके, एंड द डिसएडवांटेज क्या है,
इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज आर नॉट नोन फॉर ऑल द स्पीसीज. सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये है कि हमें सारी स्पीसीज की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं पता है, तो उनकी हम जो फाइलोजेनी को स्टडी नहीं कर सकते हैं बेटर तरीके से. ओके, दीज आर ऑल्सो द सम पॉइंट्स विच शो द प्रॉब्लम ऑफ फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट. दीज आर द प्रॉब्लम्स, या वी कैन से दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट. फर्स्ट इज अ नीड अ गुड फाइलोजेनी, इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड कैन बी एक्सपेंसिव. सेकेंड, नॉट रिकोगनाइज पैराफाइलेटिक ग्रुप, नॉट रिकोगनाइज इट इज नॉट रिकोगनाइज पैराफाइलेटिक ग्रुप. पैराफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है? पैराफाइलेटिक मीन्स द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन इवोल्यूशनरी एंसेस्टर और एंसेस्टर ग्रुप बट नॉट इंक्लूडिंग ऑल द डिसेंडेड ग्रुप्स. ओके, दीज आर नोन एज पैराफाइलेटिक ग्रुप. एंड थर्ड इज द ट्राइवियल ट्रेट्स. ट्राइवियल ट्रेट्स मतलब जो स्मॉल ट्रेट्स होते हैं या जो सिंगल म्यूटेशन होता है. सिंगल म्यूटेशनल ट्रेट्स कैन मेक अ ग्रुप मोनोफाइलेटिक एंड मे नॉट वॉरंट कॉलिंग अ ग्रुप अ न्यू स्पीसीज. तो ये जो है ये आपके तीनों क्या हैं प्रॉब्लम्स हैं फाइलोजेनेटिक के. या जैसे हमने ऊपर बताया कि डिसएडवांटेज भी क्या था इसमें कि जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो सारे स्पीसीज की नहीं पता है, तो उसमें हम फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते हैं वो. तो अब ये जो है मेनली ऐसे तो बहुत आपने चार पढ़े हैं आपने यहाँ पे, इकोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फाइलोजेनेटिक एंड बायोलॉजिकल. तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो आपकी जो है क्या है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है. फिर भी इतने ड्रॉबैक्स हैं, फिर भी आपकी जो है इतने ड्रॉबैक्स के बाद भी जितने भी स्पीसीज कॉन्सेप्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो वाइडली एक्सेप्टेड स्पीसीज कॉन्सेप्ट हैं वो क्या है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट. ठीक है, द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड स्पीसीज कॉन्सेप्ट. इट डिफाइंस द स्पीसीज इन टर्म ऑफ इंटरब्रीडिंग. फॉर इंस्टेंस अर्नस्ट मायर डिफाइंड अ स्पीसीज एज फॉलोज, स्पीसीज आर अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स. मतलब जो अर्नस्ट मायर थे उन्होंने भी यही बताया कि जो स्पीसीज है एक्चुअली जो स्पीसीज है, स्पीसीज इज एन एरे ऑफ एक्चुअली और पोटेंशली इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स अंडर द नेचुरल कंडीशन. तो आपका जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो भी यही कहता है कि आपका एक ग्रुप है जो है स्पीसीज का, वो इंटरब्रीडिंग करता है और प्रोड्यूस करता है वेबल और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. ठीक है, और वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है फ्रॉम अदर ग्रुप्स. ओके, तो मोस्ट एक्सेप्टेड जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आपका बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो आपका ये जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो गया यहाँ पे. ओके.